ओके वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पे, लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये जो अपना सेशन है। दोस्त जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये दो डिफरेंट एग्जामिनेशन, एक हमारा आईपीट और दूसरा एनएलसी, इसके रिगार्डिंग ये 60 डेज का कोर्स लॉन्च हुआ है। क्लियर, थर्मल एंड फ्लूइड के जैसे सब्जेक्ट में अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आज जो है ये अपना 22nd लेक्चर है, इससे पहले हम लोगों ने 21st लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं थर्मल एंड फ्लूइड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और हम लोग प्लान कैसे कर रहे हैं, हम लोग जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनएलसी एंड आईपैक एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड फिर कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। अब देखो जैसे 6 to 7 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट अपने में वास्ट है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, तो ये अपने में बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो पूरा सब्जेक्ट तो क्लियर कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को एंड जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों के थ्रू जो है वो हम सब्जेक्ट को एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, चलिए जल्दी से अपने दोस्तों के भी बोलिए जुड़े जल्दी से एंड देन सेशन स्टार्ट करें। अगेन गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन दिस सेशन। प्लीज कुछ लोग लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर, चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं अगर आज का ये जो अपना सेशन है। क्लियर, तो आज इस सेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 10 to 15 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है, एंड देन फिर थोड़ा सा आज एक दो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे, एंड आज से फ्लूइड मैकेनिक्स आपका बाइंड अप हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स, तो कल से आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा। क्लियर, चलिए तो जैसे कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, जैसे ये आपका मैकेनिकल में सेशन चल रहा है, ऐसे ही दो डिफरेंट ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, उसमें भी आईपैक एंड एनएलसी एग्जाम के रिगार्डिंग सेशन आपका रन हो रहा है यूट्यूब पे। तो अगर कोई आपका दोस्त है या कोई फ्रेंड है जो करना चाहता है कि सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर है, तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए दोस्त, वो भी यहाँ पर आके मैक्सिमम चीजें सीख सकता है बाई टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। क्लियर, चलिए तो ये वो शेड्यूल है 2 मंथ यानी 60 डेज का जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि पहला सब्जेक्ट जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा था, तो ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने 20 डेज के लिए बोला था कि 20 डेज फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपके 22 डेज हो चुके हैं और आज भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स 23 डेज हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पे डिवोट किया एंड देन उसके बाद बेसिक थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पहले से ही थोड़ा सा लेंथी सेशन कर लेंगे, 1 घंटे 30 मिनट या समथिंग, तो थोड़ा सा पहले से ही सब्जेक्ट अपना प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। क्लियर, तो आगे जो शेड्यूल है वो आपका मैनेज हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हियर इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोस्त, आई एम अमित मौर्य एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर। पहले 7 साल से मैं गेट एंड एससी के फील्ड में क्लासेस लेता हूँ ऑफलाइन में, इंडिया के हर एक इंस्टीट्यूट हर एक शहर में मैंने क्लासेस लिया है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मैंने अपने आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स कंप्लीट किया जो वहाँ के मेन कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड टीएफई डिपार्टमेंट। क्लियर, जो लोगों का सपना होता है एंड 9.2 CGPI के साथ आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10 एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड वर्ल्ड टॉप रिसर्च पेपर में मैंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दिया है। क्लियर, और जो रिसर्च का एरिया है ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD है। कई सारे बच्चे बोलते सर आपका रिसर्च पेपर का टॉपिक क्या था या आपके रिसर्च का एरिया क्या था, तो उनको जस्ट बताने के लिए कि मेरा टॉपिक क्या है, एक मैंने पेपर अपना यहाँ पर प्लेस कर दिया है, इज अ ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन जो आपके मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर होते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडिंग कंडीशन मीथेनॉल इथेनॉल मिक्स करके। क्लियर, तो ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में जो है वो पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पब्लिकेशन है।
तो ये आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अगर आप देखोगे तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपकी मार्च में देखा जाए या अप्रैल में 20,000 प्लस स्पेशल क्लासेस कंडक्ट हो रही है या अप्रैल में कंडक्ट हो चुकी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, ये आपके लिए है। बाय इंडिया टॉप एजुकेटर इस वर्स्ट कंडीशन में आपको सपोर्ट दिया जा रहा है कि अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, क्लियर। तो वहां पर जाके भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड मेरी कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं भी वहाँ बहुत सारे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, तो मेरे कोर्स के लिए क्या करना है, आपको वहां पर अमित कुमार सर्च करना है, अमित कुमार एंड सर्च करके फिर मुझे फॉलो कर लेना है। जैसे आप फॉलो करोगे मुझे तो क्लास से पहले लाइव क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा टाइमिंग एंड टॉपिक ये आपको पूरा डिटेल में मैसेज एंड मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो कोई भी आपके लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होगी दोस्त, क्लियर। कोई भी लाइव क्लास आपकी मिस नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटी जाने मत दो। अब अगर हम बात करें गेट एंड एस सी के पेड कोर्सेज की, क्लियर, तो ये दोनों कोर्सेज एक ही में आपके सब्सक्रिप्शन में हो जाएंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों। अब कई सारे बच्चों ने यहाँ से लिया तो मजा आ रहा है, कई सारे बच्चे इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से देख सकते हो, प्लान कर सकते हो अपना प्रिपरेशन यहाँ से। एंड काफी देखोगे अगर कॉस्ट वाइज बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, वन ईयर का जो है वो 25,000 है, वनली 25,000 वन ईयर की अगर आप कॉस्ट देखोगे तो वनली 25,000। और इस पे भी आपको अगर इस रेफरल कोड को यूज कर रही है MYT अमित मौर्या यूट्यूब तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो काफी लेस अमाउंट है। एंड अगर थोड़ा और प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहते हो कॉस्ट एंड टाइम को लेके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, ये आपका जो है वो 30,000 का पड़ेगा। एंड 30,000 के करिस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे और इस कोड को अगर आप यूज करते हो अमित मौर्या यूट्यूब तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये 1,250 रुपए से भी लेस अमाउंट में आपका पड़ जाएगा, 1,250 का लेस, ये 27K का पड़ेगा और ये 22.5K का पड़ेगा। यानी अगर इसमें आप वन मंथ और ऐड कर देते हो सब्सक्रिप्शन वन मंथ का कॉस्ट जो है, तो ये आपको वन ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, क्लियर दोस्तों। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से देख सकते हो, क्लियर। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो 7073-442-6004, कॉल व्हाट्सएप या मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे ऑलरेडी, हम लोगों ने देख लिए थे, क्लियर। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक दो टॉपिक है क्रिटिकल उनको करवा के अगर इस सब्जेक्ट को हम बाइंड अप कर देंगे, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस सब्जेक्ट में तो आप नंबर पे मुझे मैसेज एंड कॉल कर देना, तो मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस या जो भी डाउट होंगे वो कोशिश करूंगा कि आपके पूरे के पूरे रिमूव हो जाए। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 141 आ गया है, जल्दी से इसको पढ़िए और देखिए कैसे होगा, जल्दी से क्वेश्चन क्विक, क्वेश्चन नंबर 141 स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 141 जल्दी से पढ़िए फास्ट, फास्ट गाइस फास्ट, क्वेश्चन नंबर 141 जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 141 स्क्रीन पे आ गया है, 141 जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्वेश्चन नंबर 141 जल्दी से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 141 जल्दी से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्लियर, क्वेश्चन में क्या बोला है जल्दी से देखिए। चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, देखो बोला है वाटर फ्लो थ्रू अ 10 mm डायमीटर एंड 250 मीटर लॉन्ग स्मूथ पाइप at an average velocity of this one, the density and viscosity of the water are this. तो ये 10^-6 है दोस्त, 10^-6 दिया हुआ है respectively. Assuming fully developed a flow, fully developed flow है, the pressure drop in this pipe is, pressure drop क्या होगा Pascal में,
तो देखो मैंने आपको बताया भी था, प्रेशर ड्रॉप अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं, डेल्टा पी जो का 32 mu यू मीन एल एंड डिवाइडेड बाय जो है रो जी नहीं आएगा, डी स्क्वायर होगा केवल यहाँ पर डी स्क्वायर, तो ये प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करें 32, छोटे छोटे क्वेश्चन है बस, और ऐसे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं अगर वर्चुअल कैलकुलेटर है फिर तो। म्यू 8 55 × 10⁻¹ का 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई एज अ मीन वेलोसिटी इज गिवन एज 0.1 0.1 एंड लेंथ ऑफ द पाइप इज 250 मीटर, 250 मीटर दिया हुआ है एंड डायमीटर इज 10 mm, तो 10 × 10⁻³ इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो जब ब्रेकेट ओपन करोगे तो यहां से तो निकल के आ जाएगा ये 100 × 10⁻¹⁶, तो 10⁻⁶ −6 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे 100 आया है, क्लियर। तो एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करिए और कैलकुलेटर लेके बैठिए, कैलकुलेटर लेके बैठा करें। चलो जल्दी से मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, 32 × 8 55 × 0.1 × 250 दिस वन एंड डिवाइडेड बाई 100, तो ये 6840 आएगा, 6840 आएगा दोस्त, ये आंसर आ रहा है 6840 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्लियर। ये आंसर आ रहा है 6840 आ रहा है, 141 का 6840 आएगा। चलिए जिन लोगों ने आंसर निकाला है थैंक यू, जीनियस सिलेक्शन आप ही का होगा। जो लोग आंसर नहीं बता रहे हैं या कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं दोस्त, आप अच्छा नहीं कर रहे हो अपने साथ, चलिए जल्दी से फास्ट। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे 142, पढ़िए जल्दी से, ये सिफॉन एंड समेट के क्वेश्चन होते हैं, सिफॉन एंड समेट, क्लियर। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं सिफॉन एंड समेट आपको बोल दे रहा हूँ कैसे होता है, सिफॉन एंड समेट में बोल दे रहा हूँ कैसे होता है, जल्दी से पढ़िए, सिफॉन एंड समेट में थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, गाइड कर दे रहा हूँ कैसे होता है, पढ़िए पहले एक बार क्वेश्चन। चलो तो मैं थोड़ा सा सिफॉन एंड समेट आपको बोल दे रहा हूँ कैसे होता है, रुक जाइए क्वेश्चन का आंसर अभी देंगे हम लोग, सिफॉन एंड समेट थोड़ा बोल देते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होते हैं। तो सिफॉन एंड समेट के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ, हल्का सा गाइड कर दे रहा हूँ, सिफॉन एंड समेट थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ यहाँ से, सिफॉन एंड समेट, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें, और प्लीज आप लोग लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो, कई सारे लोग अभी भी कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट अपने दोस्तों को थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एनर्जी का इंतजियाजम बढ़ता है दोस्त, आपके कमेंट पढ़ के अच्छे होते हैं तो मजा आता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए भी, एंड कुछ डिफरेंट होता है तो डिप्रेसिंग होता है, क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कमेंट लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में प्रोपोगेट करवाइए, क्योंकि जैसे मैं अभी और भी प्लान कर रहे हैं सब्जेक्ट एक और स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बस ये नेटवर्क का इशू सॉल्व हो जाए इंटरनेट का, एंड देन फिर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं मेजर, मोस्ट प्रोबेबली थर्मो या HMT एक प्लस पे स्टार्ट करेंगे, तो एक यहाँ पर जैसे, तो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कैसे होता है, क्लियर। तो कोशिश करो थोड़ा सा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़े, क्लियर, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो आप भी। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा सा आज का जो ये अपना सेशन है, आज का जो अपना ये सेशन है स्टार्ट करते हैं, क्लियर। सिफॉन एंड समेट, सिफॉन एंड समेट जो है ये थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, सिफॉन एंड समेट। अब देखो इसमें कैसे होता है, मान लो सपोज एक अपना रिजर्वायर हो गया, एक अपना जो है वो रिजर्वायर हो गया, मान लो सपोज ऐसे कोई एक ये रिजर्वायर हो गया, सपोज ऐसे कोई एक ये रिजर्वायर हो गया, क्लियर, ऐसे कोई एक रिजर्वायर हो गया और ये रिजर्वायर सपोज अपना जो है वो फिल्ड है, ऐसे सपोज ये अपना कोई रिजर्वायर है ये, क्लियर। अब इसमें हम लोगों ने एक पाइप इंसर्ट किया, एक पाइप जो है वो इंसर्ट कर दिया, जैसे
ठीक है, तो जैसे जो है एक पाइप इंसर्ट कर दिया, कुछ क्लियर। तो ये हमारा, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूँ, एक जो आप परफॉर्म करते हो। तो मान लो सपोज ऐसे हमारा ये कोई पाइप हो गया, और यहाँ से पाइप का जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है। ये जो पाइप है ये हमारा यूनिफॉर्म डायमीटर का है, यानी ऐसे बोल रहे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ पाइप। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ पाइप, पाइप जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। और यहाँ पर जैसे ये हम लोग मान लें कि एग्जिट ऑफ द पाइप है, ये हम लोग मान लेते हैं एग्जिट ऑफ द पाइप है। और यहाँ पर जैसे लेबल अपना, अपने को पता है यहाँ पर जो लेबल है, यहाँ पर जो लेबल है ये अपना ए पॉइंट है। मान लो ये अपना ए पॉइंट है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान ले सपोज ये टॉप एलिवेशन पे पॉइंट है, ये बी हो गया, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारा सी हो गया। क्लियर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं सपोज ये वी ऑफ सी है, यहाँ पर वेलोसिटी वी सी है, और ये हमारा रिजर्वायर है। मान लो सपोज ये हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर, ये रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर के सरफेस पे हम लोग एलिवेशन मान लेते हैं, वो डेटम लाइन मान लेते हैं। आप डेटम लाइन कहीं पर भी मान लो, आप फ्री हो। तो हमने सपोज डेटम लाइन जो है वो यहीं पर मान लिया कि यहाँ पर जो जेड है वो अपना जीरो है। आप डेटम लाइन कहीं पर भी मान सकते हो, आप फ्री हो, तो उस डेटम लाइन कहीं पर भी एज्यूम कर लो। और ये जो हमारा हाइट है, मान लो सपोज ये हाइट जो अपनी है, ये वाली हाइट, ये हाइट जो है वो सपोज अपनी जेड वन है। मान लो सपोज ये जेड वन है, यानी फ्री सरफेस से ऊपर की जो ये हाइट है ये सपोज अपनी जेड वन है, ये जेड वन है। और यहाँ से नीचे की तरफ अगर हम लोग हाइट देखें, नीचे की तरफ अगर हाइट देखें, तो ये हाइट सपोज जो है वो अपनी जेड टू है, ये हाइट जो अपनी है ये जेड टू है, ये हाइट जो है वो अपनी जेड टू है, ये हाइट जो है वो अपनी जेड टू है, और ये जो है वो जेड वन है। क्लियर। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट एलिवेशन पॉइंट है। बी पॉइंट जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। क्लियर। ये जो है ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट है बी। तो ये जेड वन हो गया यहाँ से, और ये जो है वो यहाँ से जो है वो जेड टू हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूँ, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूँ, तो देखो यहाँ पर जो रिजर्वायर अगर ये है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। क्लियर। एंड प्रेशर जो होगा वो पी एटीएम होगा, प्रेशर जो होगा वो पी एटीएम होगा। एंड साथ में डेटम लाइन भी हमने यहीं पर मान रखा है, तो जीरो हो गया। एंड पाइप को मान लें कि आइडियल कंडीशन है, यानी फ्लो जो है वो आइडियल कंडीशन में हो रहा है, यानी फ्लो इज आइडियल। मान लें सपोज अ फ्लो इन अ पाइप, फ्लो इन अ पाइप इज आइडियल, फ्लो इन पाइप इज आइडियल। पाइप में जो फ्लो है वो आइडियल कंडीशन में हो रहा है, आइडियल कंडीशन में, यानी कि यहाँ से जो आपका एच एल एफ है, एच एल एफ जो है वो जीरो वैल्यू है, एच एल एफ जो है वो जीरो है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखूँ ई ऑफ द ए इज इक्वल टू ई ऑफ द सी, यानी यहाँ का जो एनर्जी लेवल होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के एनर्जी लेवल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एच एल एफ जो है वो जीरो कर रखा है, एच एल एफ जो है वो जीरो कर रखा है। तो ई ऑफ ए, ई ऑफ ए जो होगा ये हो जाएगा पी ए एंड डिवाइडेड बाई रो जी, एंड प्लस का जो है वो जेड ऑफ ए ये हो गया, एंड प्लस का जो है वो वी ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टू जी हो गया, इज इक्वल टू जेड बी, जेड बी इज जेड सी, यानी पी सी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस का जेड सी एंड प्लस का वी सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी। अब देखो यहाँ पर भी जो प्रेशर आपका होगा वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, तो एटमॉस्फेरिक का गेज या वैक्यूम जो है वो जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में जब पुटअप करोगे तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपकी जीरो हो जाएंगी। क्लियर। और जेड ए तो पहले से ही जीरो है, और वी ए भी अपना जीरो है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर डेटम लाइन पे अपना जेड इज इक्वल टू जीरो है, डेटम लाइन से ऊपर जाओगे तो जेड जो होगा वो पॉजिटिव लेके चलेंगे,
और डेटम लाइन से नीचे जाएंगे तो जेड जो होगा वो नेगेटिव लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा जीरो, और इधर से बचेगा माइनस का जेड टू, माइनस का जेड टू एंड प्लस का जो है वो बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी हो जाएगा। अरे यहाँ पर जिन लोगों को शायद आई थिंक यहाँ पर इमेज आ जाएगी, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर में जहां पर ये इमेज आ रहा है वहां पर जो नहीं दिख रहा है मैं बोल दे रहा हूँ, वहां पर लिखा हुआ है फ्लो इन पाइप इज आइडियल, आइडियल होगा तो HLF जीरो हो जाएगा और ई ए और ई सी बराबर होंगे बस, तो HLF जीरो मान के चल रहे हैं। तो यहाँ तक जो ये है यहाँ तक उसके ऊपर जो लिखा हुआ है फिर मैं आगे ध्यान रखूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। चलो तो यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहां से निकल के क्या आ गया, यहां से निकल के आ गया कि आपका बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी जो है वो आपका जेड टू के बराबर है, क्लियर, जेड टू के बराबर है। या यहां से आप बी सी निकाल सकते हो, बी सी, बी सी जो होगा वो अंडर रूट जो है वो टू जी जेड टू के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, देखो आंख बंद करके बिल्कुल हमेशा याद रखना कि पाइप के एंड में जो वेलोसिटी होती है वो डेटम लाइन से यानी फ्री सरफेस से नीचे जो हाइट होती है उसका अंडर रूट टाइम 2g होता है, अंडर रूट टाइम 2g होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि पाइप के एग्जिट पे जो वेलोसिटी होती है वो फ्री सरफेस से नीचे जब जाओगे फ्री सरफेस से, तो फ्री सरफेस से नीचे जितनी डेप्थ नीचे जाओगे क्लियर उतने में आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, अंडर रूट टाइम हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि ये आपका ये कुछ ऐसे आ जाएगा कि VC जो होगा वो ये हो जाएगा। अब देखो जो वेलोसिटी आपके C पॉइंट पे होगी, जो वेलोसिटी C पॉइंट पे होगी वही वेलोसिटी B पॉइंट पे होगी, जबकि C और B दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगा क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो B पॉइंट पे भी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। यानी यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो BC वेलोसिटी है दैट शुड आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट अब बी, तो ये B पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, B पॉइंट के वेलोसिटी के अब बराबर हो जाएगा, क्लियर, B पॉइंट के वेलोसिटी के ये बराबर हो जाएगा, क्लियर, B पॉइंट के वेलोसिटी के ये जो है वो बराबर हो जाएगा और ये C पॉइंट है। तो उस पॉइंट के वेलोसिटी के ये जो है वो बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट के वेलोसिटी के ये बराबर निकल के आ जाएगा, ये 2g z2 हो गया, क्लियर, ये bc हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालें, अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और निकालें तो ये पूछा जाता है कि b पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, b पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, क्लियर, b पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। तो ए और बी पे अगर हम एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर दें, ई ए इज इक्वल टू ई बी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ए पॉइंट पे तो टोटल जीरो है तो ये जीरो हो गया, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का प्रेशर अपने को निकालना है जी, एंड ऊपर चल रहे हाइट तो हाइट वहां की जेड वन है, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी वी बी स्क्वायर बाई टू जी ये आ जाएगा, तो वेलोसिटी अगर आप पुट अप करोगे तो ये टू जी जेड टू बनेगा, जैसे ये वेलोसिटी आप पुट अप करोगे इसका स्क्वायर करोगे एंड डिवाइडेड बाई टू सी करोगे, क्लियर, तो ये जो है वो निकल के आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू अब पी बी डिवाइडेड बाई रोजी एंड प्लस का जो है वो जेड वन एंड प्लस का जो है वो जेड टू, तो यहाँ से जो है वो पी बी डिवाइडेड बाई रोजी जो होगा वो माइनस का जो है माइनस का जेड वन प्लस जेड टू हो जाएगा, माइनस का जो है वो जेड वन प्लस जेड टू यानी बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा ये माइनस टाइम जेड वन प्लस का जेड टू एंड मल्टीप्लाइड बाई ये रो अच्छी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये रो अच्छी हो जाएगा। अब देखो बी पॉइंट का जो प्रेशर है ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है कि वहां पर कंडीशन कैसी है, बोलो वहां पर जो है वो वैक्यूम कंडीशन है, वहां पर जो है वो वैक्यूम कंडीशन है, तो सबसे मिनिमम प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो है वो सबसे मिनिमम प्रेशर कंडीशन होती है, मिनिमम प्रेशर कंडीशन होती है, मिनिमम प्रेशर कंडीशन, मिनिमम प्रेशर कंडीशन होती है, यानी यहाँ पर जो है वो वैक्यूम कंडीशन होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्त आपका वैक्यूम कंडीशन होता है, वैक्यूम कंडीशन, यहाँ पर आपका वैक्यूम देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर वैक्यूम कंडीशन होती है, क्लियर। चल तो अब ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बार बार से देख लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्लियर, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। चल जल्दी से देखो अगर यहां से क्या आएगा,
जल्दी से पढ़ो, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 142 था, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ। अब जल्दी से इसको पढ़ो और आज का आंसर बताओ, जल्दी से फास्ट। जल्दी से पढ़ो इसका आंसर क्या आएगा, आप देख के बताओ जल्दी से। देखो द इन द साइमन आइडियल कंडीशन है, प्रेशर पी, प्रेशर पी, एक सेकंड, ये इस पॉइंट के प्रेशर की बात कर रहा है, आई थिंक बी पॉइंट के प्रेशर की। ये प्रेशर जो है वो पी है, पी बी की बात कर रहा है, वो पी बी की बात कर रहा है, आई थिंक पी बी की बात कर रहा है, पी बी की, पी बी की। तो पी बी का प्रेशर अब हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा ये लेस देन हमारा पी ऑफ ए होगा, और वहां पर जो कंडीशन होगी वो हमारी वैक्यूम कंडीशन होगी। वैक्यूम कंडीशन होगी एंड लेस देन जो है पी ऑफ ए होगा, ये हमारा आएगा, ये बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 142 का बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 143 जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 143, 143 जल्दी से पढ़िए, 143। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हर एक का नोड पॉइंट पे जो या सर्किट जो होती है, क्लियर, सर्किट के अराउंड जो होता है वो प्रेशर और डेटम हेड का जो ड्रॉप होता है, क्लियर, वो जीरो होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रेशर एंड डेटम हेड ड्रॉप अराउंड ईच सर्किट इज जीरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये बी होता है। एक इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट है, जब नेटवर्क आप पाइप पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे, क्लियर। तो प्रेशर प्लस डेटम का जो हेड ड्रॉप होता है अराउंड अ सर्किट, ये हमारा जीरो होता है। 143 का बी आंसर आएगा, ये याद रखना थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनएलसी एंड आईपेट एग्जामिनेशन में। चलिए 143 के बाद स्क्रीन पे आ गया 144, जल्दी से पढ़िए 144 का आंसर क्या आएगा, 144 का आंसर क्या आएगा, 144, 144 जैसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, 144 जैसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है, देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सीरीज और पैरेलल, आप हमेशा ये याद रखना है, सीरीज एंड पैरेलल पाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो करंट एनालॉजी को फॉलो करता है। अभी सब डिटेल में है बहुत, उतना सब डिटेल में नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि बहुत फिर उतना टाइम अपने को नहीं मिलेगा कि अपन उतना डिटेल में बोल पाए। अब करंट एनालॉजी को फॉलो करना, जैसे मान लो सीरीज है, तो सीरीज में मैं बाहर से लिख दे रहा हूँ, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो समअप होता चला जाता है, यानी हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, वैसे यहाँ पाइप के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा एचएलएफ यानी हेड एनर्जी हेड का, वो ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज में अगर एचएलएफ टोटल लिखोगे आप, एचएलएफ टोटल अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा एचएलएफ 1 प्लस का एचएलएफ 2 प्लस का एचएलएफ 3 हो जाएगा। एंड डिस्चार्ज अगर आप देखोगे तो जो डिस्चार्ज पास होगा टोटल, वो सब में क्या होगा, सेम होगा, करंट सब में जो होती है वो हमारी सेम होती है। तो ये सीरीज में होता है। सिमिलरली अगर हम पैरेलल में देखें, सिमिलरली अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, तो पैरेलल में जो डिस्चार्ज होगा टोटल वो ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, क्यू वन प्लस का क्यू टू हो जाएगा एंड प्लस क्यू थ्री एंड प्लस सो ऑन। लेकिन जो हमारा हेड लॉस होगा, हेड लॉस अगर हम लोग देखें तो हेड लॉस जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस जो है वो हमारा सेम होता है पैरेलल में नोड पॉइंट के क्रॉस। तो यहाँ पर जो हेड लॉस होगा, ये सब हम प्रूव भी करेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग
पाइप फ्लो, तो HF3 एंड सो ऑन। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डिस्चार्ज जो है वो सम अप होता चला जाएगा, डिस्चार्ज सम होगा और HL जो होगा HL1 HL2 HL3 के बराबर होगा, हेड लॉस जो होगा वो बराबर होगा और डिस्चार्ज ऐड होगा, डिस्चार्ज ऐड होगा, हेड हमारा जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर बी आएगा 144 का जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, 144 का बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ एनएलसी एंड आईपैट एग्जामिनेशन में। तो रिस्क मत लो, मैक्सिमम कोशिश करते रहो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत बोलना, लाइक शेयर एंड कमेंट इज अ मोटिवेशन फॉर मी एज अ एजुकेटर, क्लियर? तो इसको मत बोलना। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 145 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 145 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा जैसे एक्सप्लेन कर देंगे अभी, आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे 145 आ गया है, एक बार पढ़िए फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। चलिए अब देखो 145 में कैसे होगा, 145 का जो क्वेश्चन है बोला है मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइपलाइन विद हेड, टोटल हेड इज दिया हुआ है, द हेड लॉस जो फ्रिक्शन HLF इज। तो ये कुछ ऐसे होता है, जैसे यहां पर मैं आपको समझाऊं, वन सेकंड, पावर ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइप लाइन ये होता है या पेनस्टॉक या हाइड्रोलिक्स मशीन में देखेंगे। तो पावर ट्रांसमिशन मान लो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये कॉन्सेप्ट होता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू ए पाइपलाइन, थ्रू ए पाइप या पाइपलाइन, क्लियर? या पेनस्टॉक बोल सकते हैं, थ्रू ए पाइप या हम लोग बोल सकते हैं पेनस्टॉक, कैसे होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन की अगर बात करोगे तो मान लो सपोज एक कोई पाइप है, वन सेकंड, मान ले सपोज ऐसे हमारी कोई एक पाइपलाइन है या कोई पाइप है, तो यहां पर जो है वो इनलेट ऑफ द पाइप है, यहां पर जो है वो इनलेट ऑफ अ पाइप है, यहां पर जो है वो इनलेट ऑफ पाइप है और यहां पर मान लो सपोज एग्जिट ऑफ अ पाइप है। यहां पर हम लोग मान लें कि सपोज अपना एग्जिट ऑफ अ पाइपलाइन है, एग्जिट ऑफ पाइपलाइन है, क्लियर? अब यहां से फ्लूइड हमारा इंटर कर रहा है, जैसे यहां से फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है, यहां से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है, यहां से फ्लूइड अपना इंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड जो है वो बाहर आ रहा है। यहां पर बोला है जो हेड है वो एच है और पाइप का डायमीटर जो है ये सपोज मान ले हम लोग डी है, पाइप में फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो एफ है और पाइप की जो लेंथ है ये सपोज अ कैपिटल एल है, पाइप की लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। अब देखो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर एनर्जी का इनपुट कितना होगा, डिस्चार्ज मान लो क्यू फ्लो कर रहा है, तो आपसे ये पूछा जाए कि एनर्जी इनलेट अब पे आप क्या दे रहे हो पाइप के, एनर्जी या पावर पूछी जाए, या आपसे ये पूछा जाए कि पावर जो है वो इनपुट पे पाइप को क्या आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कितना होगा रो मल्टीप्लाइड बाई क्यू एंड ये जी हो जाएगा एंड एच हो जाएगा, क्लियर? तो ये वॉट में जो है वो पावर हो गई जो हम लोग इनलेट पे पाइप को सप्लाई कर रहे हैं। अब इस पावर के करिस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफर करेगा, कुछ बीच में लॉसेस होंगे, लॉसेस कितना होगा डार्सी वेज बैच के अकॉर्डिंग, जो HLF होगा पाइप में, HLF जो पाइप में होगा ये हो जाएगा एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 एंड डी की पावर जो है ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ पावर को रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर अपना जो है
वो पावर आउटपुट निकल के आ जाएगा पावर आउट आपुट, और ये पावर आउटपुट जो होगा ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई क्यू एंड कैपिटल एच मल्टीप्लाइड बाई एच एल एफ हो जाएगा एच एल एफ। क्लियर? तो ये हमारी पावर आउटपुट हो गई। अब देखो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन कितना होगा, तो अगर इस पावर आउटपुट को हम लोग देखें तो ये हो गया रो क्यू और ब्रेकेट में एच माइनस का एच एल एफ की वैल्यू पुट अप कर दें तो ये हो जाएगा एफ एल क्यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 12.1 D की पावर जो है वो 5 हो जाएगा, या यहां से हम पावर को लिख सकते हैं रो जी भी आएगा, जी भी आएगा दोस्त, जी भी आएगा, रो जी एच होता है, तो ये हो जाएगा रो जी, इसको यहीं पर रखें और क्यू को अंदर कर दें, क्यू हो गया माइनस का जो है एफ एल क्यू का क्यूब हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 12.1 D की पावर जो है वो 5 हो जाएगा, तो ये निकल के आ गया पावर। अब देखो इस पावर का अगर हम वेरिएशन देखें किसके साथ हो रहा है, तो रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एच इनपुट कंडीशन है, तो गिवन इनपुट के लिए आप मैक्सिमम मिनिमा को निकालोगे, तो यहां से अगर आप देखोगे तो पावर जो है वो केवल डिस्चार्ज का फंक्शन आएगा, केवल डिस्चार्ज का फंक्शन आएगा। अब अगर अपने को मैक्सिमा मिनिमा के लिए जाना है तो डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में पावर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये है फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अपने को जाना है, मिनिमा के लिए तो अपने को इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी अपने को डीपी बाई डी ऑफ क्यू करना पड़ेगा और ये हो जाएगा रो जी और ब्रेकेट में हो जाएगा एच माइनस का जो है वो 3 टाइम एफ एल क्यू स्क्वायर एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 एंड डी की पावर जो है वो 5 हो जाएगा, डी की पावर जो है वो 5 हो जाएगा, डी की पावर जो है ये 5 हो जाएगा। क्लियर? डी की पावर जो है ये 5 हो गया। अब देखो यहां से अगर थोड़ा सा और इसको देखें तो ये डी पी बाई डी ऑफ क्यू है, ये रो जी हो गया और यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं एच माइनस का 3 टाइम एच एल लेफ्ट लिख सकते हैं, ये फिर से अपना एच एल एफ बन गया, ये फिर से एच एल एफ लिखा हुआ है एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको हम लोग 0 को डब कर दें तो यहां से निकल के क्या आएगा एच माइनस का 3 HLF, 3 HLF इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा, तो यहां से एच एल एफ जो होगा वो हमारा एच बाई 3 निकल आएगा, इस कंडीशन पे होगा मैक्सिमा या मिनिमा। इसको फिर से एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें चेक करने के लिए, तो डी पी स्क्वायर डी क्यू स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा रोजी, ये रोजी हो गया 0 माइनस का ये 6 FL³ हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 12.1 D की पावर 5 हो जाएगा। अब यहां से चेक कर लो, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब जो है वहां पर अपने को मैक्सिमा मिलेगा, वहां पर जो है मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमा वैल्यू वहां पर आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा दोस्त, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब उस मैक्सिमम वैल्यू को भी अपने को देखना है क्या होगा। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो वहां पर अगर हम लोग पुट अप कर दें मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो रो जी क्यू था और यहाँ पर एच माइनस का एच बाई 3 पुट अप कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आएगा वो रो जी क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई 2H/3 निकल आएगा एंड देन पावर एफिशिएंसी निकाल लें मैक्सिमम कितनी होगी, एफिशिएंसी मैक्स पावर ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पावर ट्रांसमिशन के लिए कितनी होगी, तो ये निकाल लें अगर, तो ये 2/3 रो क्यू जी एच ये हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है वो रो क्यू जी एच हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई जो है ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज में अगर बात करोगे तो ये कुछ ऐसे एंड दैट शुड बी 66.67% और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकल आएगी पाइप की।
और ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकल के आ रही है जब HLF इज इक्वल टू जो है वो 1/3 है, 1/3 है टोटल हेड के, 1/3 है टोटल हेड के, तो ये निकल के आ जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए ऐसे करके अपन देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? तो देखिए जरा सा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 145 का आंसर क्या आएगा, 145 का आंसर क्या आएगा, 145 का आंसर क्या आएगा, फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइपलाइन विद हेड HLF कितना होना चाहिए, HLF जो है वो B होना चाहिए H/3, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HLF इज गिवन बाय H/3 होना चाहिए, 145 का B आंसर होना चाहिए B। चलिए जिन लोगों ने सही आंसर बताया है थैंक यू जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, 146 अगेन फिर से सिफॉन एंड समिट का, सिफॉन ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड डिस्चार्जेस इट आउट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिस्चार्ज कर रहा है यहाँ पर, assuming ideal fluid and reservoir velocity at point P, तो P point पे जो velocity होगी वो velocity इस point के बराबर होगी, यहाँ पर velocity क्या होगी मैं आपको बता चुका हूँ सीधे, यहाँ पर velocity क्या होगी under root होगा 2G होगा, और datum line यहाँ पर या free surface से नीचे जितना head है, तो नीचे कितना head है free surface से, अगर नीचे जाओगे तो free surface से कितना head नीचे है, इस H2 minus का H1 head नीचे है, तो ये हो जाएगा H2 माइनस का H1, तो ये वेलोसिटी निकल आएगी इस पॉइंट की, जो इस पॉइंट की होगी वही हमारी P पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, एंड दैट शुड बी आ 2G अंडर रूट H2 माइनस H1, सी इज द करेक्ट आंसर, 146 का सी इज द करेक्ट आंसर, 146 का सी इज द करेक्ट आंसर, 146 का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी जो है उसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, 147 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आप एक बार इसे पढ़िए, 147 स्क्रीन पे आ चुका है, 147 स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से पढ़िए फास्ट 147। अब देखो यहाँ पर एग्जिट और एंट्री लॉसेस आपको नहीं पता है, वन सेकंड, थोड़ा सा मैं माइनर लॉसेस आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ सर, डेरिवेशन पर बाद में करवाएंगे, थोड़ा सा मैं माइनर लॉसेस के बारे में बता देता हूँ। माइनर लॉसेस फॉर्मूले जो होते हैं, माइनर लॉसेस फॉर्मूला केवल मैं बता रहा हूँ, माइनर लॉसेस फॉर्मूले जो होते हैं, तो माइनर लॉसेस के थोड़े से मैं आपको फॉर्मूले यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, फॉर्मूला केवल वनली फॉर्मूला, क्लियर? तो माइनर लॉसेस के जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं थोड़ा आपको यहाँ से देखो, माइनर लॉसेस का जो पहला फॉर्मूला होता है वो लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन होता है, लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन पहला जो होता है ये हमारा लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन होता है, losses due to a sudden expansion, losses due to sudden expansion, sudden expansion जो होता है, losses due to sudden expansion, तो मैं फिर proper उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, क्लियर? और इसको अपन बोलते हैं HL expansion, क्लियर? तो ये सब डेरिवेशन करवाते हैं दोस्त, फिर भी आपको समझना होगा सारे डेरिवेशन, तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ, आप मुझे भेज देना, पिंग कर देना, तो मैं आपको वो बता दूंगा पूरा डेरिवेशन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्लियर? 707-442604, तो ये जो होता है ये होता है V1 माइनस का V2 इसकी होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जो है वो 2G होता है, या थोड़ा सा और मैं बोल दे रहा हूँ 1 और 2 क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक पाइप, सपोज ये पाइप 1 हो गया, पाइप 1 के एग्जिट पे सडन जो है वो लार्जर डायमीटर का कोई पाइप अटैच कर दिया जाए, लार्जर डायमीटर का, तो लार्जर डायमीटर पाइप जो है वो अटैच किया आपने, तो जैसे ये हमारा पाइप जो है वो 1 है, ये पाइप जो है वो अपना 1 है, क्लियर? इसमें वेलोसिटी जो है वो V1 है, इसमें वेलोसिटी जो है वो V1 है, ये पाइप जो अपना है ये 2 पाइप है, ये पाइप जो है ये अपना सेकेंड पाइप है 2, और इसमें जो वेलोसिटी अपनी है फ्लूइड के फ्लो की वो वेलोसिटी अपनी अब V2 है, इसमें वेलोसिटी जो है वो V2 है, तो ये निकल गया। आप देखो तो होता क्या है, हल्का सा मैं आपको एक
वो दे रहा हूँ। देखो एडीज क्या होती है, यहाँ पर आती है, जैसे ये एडीज है फ्लो की स्ट्रीमलाइन, सॉरी स्ट्रीमलाइन, तो सडनली डाइवर्ज नहीं होती, ऐसे डाइवर्ज होती है, ऐसे ये डाइवर्ज होती है स्मूथली। तो यहाँ पर खाली स्पेस एयर, तो यहाँ पर रिसर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको एडी जोन बोलते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। क्लियर? तो ये लॉसेस जो हैं वो ये निकल के आते हैं, V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। सेकेंड जो लॉसेस होता है वो हमारा लॉसेस ड्यू टू अ सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, लॉसेस ड्यू टू अ सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉसेस ड्यू टू अ सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन जो दोष होता है ये हमारा होता है, ये होता है V माइनस का VC इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जो है वो 2C होता है, जहां पर V जो है वो थ्रॉट पॉइंट वेलोसिटी होती है, V जो है वो थ्रॉट पॉइंट वेलोसिटी होती है, थ्रॉट पॉइंट, और VC जो होता है वो वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट होता है, VC जो होता है ये वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट होता है, वीना कॉन्ट्रैक्टा, अब उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्लियर? वीना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट होता है। और यहाँ से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अपना ये होता है कि ए और बी इज इक्वल टू AC एंड BC, ये थ्रॉट की कंडीशन है, ये थ्रॉट पॉइंट की कंडीशन है, थ्रॉट पॉइंट की, और ये वीना कॉन्ट्रैक्टा की है, वीना कॉन्ट्रैक्टा की है। तो यहां से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए बाई AC अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा VC डिवाइडेड बाई V। और एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और जो CC होता है ये होता है एरिया एट अ वीना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइड बाई एरिया एट अ थ्रॉट पॉइंट। क्लियर? एरिया एट अ थ्रॉट पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको और थोड़ा मैग्निफाई करके लिखें, यानी जैसे यहाँ से मैं आपसे और बोलूँ कि इससे यहाँ से लिखो, तो ये जैसे AC अपान ए थ्रॉट अगर यहाँ से देखें तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी V थ्रॉट अपान अब VC हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ये V थ्रॉट डिवाइडेड बाई अब VC हो जाएगा, या अगर मैं यही लिखूँ VC बाई V थ्रॉट लिखूँ V थ्रॉट, तो फिर ये लिखना पड़ेगा मुझे 1/CC, 1/CC लिखना पड़ेगा। अब देखो जो ये लॉस निकल के आया था, ये जो HL कॉन्ट्रैक्शन निकल के आया था, HL कॉन्ट्रैक्शन, उसमें अगर हम V कॉमन ले लें जो थ्रॉट पॉइंट के वेलोसिटी है डिवाइड बाय 2G कर दें, तो ये यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट के वेलोसिटी और यहाँ बचेगा थ्रॉट पॉइंट के वेलोसिटी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये V थ्रॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2G हो गया और ब्रेकेट में 1 माइनस का वीना कॉन्ट्रैक्टा एंड थ्रॉट पॉइंट, वीना कॉन्ट्रैक्टा एंड थ्रॉट पॉइंट इज CC, 1/CC है ये, 1/CC, तो ये 1/ जो है वो CC हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट शुड बी HL अ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये HL कॉन्ट्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ये HL कॉन्ट्रैक्शन निकल के आ जाएगा, HL कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका HL कॉन्ट्रैक्शन निकल के आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में अगर CC ना दिया हो, इफ CC इज नॉट अ गिवन, इफ CC इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में CC नहीं दिया हुआ है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस 1/CC का जो स्क्वायर है इसको मान लेते हैं रफली 0.5 होगा। तो यहाँ से अब अगर आप लिखोगे कि HL कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा सडन, तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स V थ्रॉट आई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2G, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्त, ये निकल के आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का लॉसेस हो गया। एंड थर्ड लॉसेस जो होता है वो आपका एग्जिट लॉस होता है, थर्ड जो लॉस होता है वो आपका एग्जिट लॉस होता है। एग्जिट एग्जिट मतलब क्या, किसी पाइप से फ्लूड एग्जिट कर गया सर्टेन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उस पाइप के लिए वो क्या है हमारा, एक तरह का लॉसेस है, लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ हेड है। मान लो जैसे सपोज ऐसे बोला जाए, जैसे मान लो सपोज ये हमारा पाइप है और ये हमारा एग्जिट ऑफ द पाइप है, मान लो सपोज ये जो है ये हमारा एग्जिट ऑफ अ पाइप है, ये एग्जिट ऑफ पाइप है
और इस एग्जिट आप पाइप से मान लो सपोज अब फ्लूड हमारा यहाँ से वी वेलोसिटी से निकल रहा है, वी वेलोसिटी, तो यहाँ पर हेड कितना हो जाएगा उसका, उसका हेड होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2C, ठीक है। तो ये हेड जो है वो सराउंडिंग में जाके लॉस हो जाएगा। अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो हेड है वो अपन ये बोल सकते हैं लॉस्ड इन अ सराउंडिंग मीडियम, लॉस्ड इन सराउंडिंग अ मीडियम, ये सराउंडिंग मीडियम में जो है वो लॉस हो जाएगा, सराउंडिंग अ मीडियम, ये सराउंडिंग मीडियम में जाके जो है वो लॉस कर जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में लॉस हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा एग्जिट लॉस हो जाता है, डेट शुड बी अ HL, एग्जिट अ लॉस, ये अपना एग्जिट लॉस बन जाता है, एग्जिट लॉस। देन फोर्थ वन जो अपना है, फोर्थ वन जो है वो हमारा इंट्रेंस लॉस है, इंट्रेंस फोर्थ वन जो है वो इंट्रेंस अ लॉस है, इंट्रेंस लॉस होता है, फोर्थ वन इज इंट्रेंस अ लॉस। एंट्रेंस लॉस क्या होता है, मान लो सपोज कोई एक रिजर्वायर है, कोई एक रिजर्वायर है, ये सपोज पाइप है, क्लियर, ये पाइप है और ये यहाँ पर जो है यह फ्लूड यहाँ पर इंटर कर रहा है, यहाँ पर फ्लूड जो है वो इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर फ्लूड जब पाइप में इंटर करता है, यानी यहाँ पर जो है इनलेट ऑफ पाइप है, यहाँ पर जो है वो इनलेट ऑफ अ पाइप है, तो पाइप का जो ये इनलेट है यहाँ पर जब फ्लूड इंटर करता है तो HL एंट्रेंस जो होता है, HL एंट्रेंस ये हमारा हो जाता है 0.5 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, यानी पाइप में अगर वेलोसिटी हमारी वी है तो ये 0.5 टाइम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2G बन जाएगा, 0.5 टाइम्स अब वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2G बन जाएगा। तो ये हमारा HL एंट्रेंस हो जाता है। नेक्स्ट अपना आता है अब फिफ्थ नंबर जो है वो बेंडिंग लॉस आता है। नेक्स्ट मैं बार बार से आपको इसे बता दे रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट वन जो होता है वो बेंडिंग लॉसेस होते हैं, बेंडिंग लॉसेस, बेंडिंग लॉसेस जो होते हैं वो HL, अगर मैं बेंडिंग की बात करूं तो ये होता है KV स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 R3, जहां पर K जो होता है वो बेंडिंग कॉन्स्टेंट होता है फॉर गिवन अ पाइप। ये जो होता है ये बेंडिंग कॉन्स्टेंट होता है, बेंडिंग ये जो होता है ये अपना बेंडिंग कॉन्स्टेंट होता है फॉर गिवन अ पाइप, फॉर गिवन पाइप, उस गिवन पाइप के लिए ये के जो है ये अपना बेंडिंग अ कॉन्स्टेंट होता है, बेंडिंग कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो ये बेंडिंग कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है एंगल ऑफ बेंड पे और दूसरा कर्वेचर का रेडियस पे, शार्प है या स्मूथ है, बेंडिंग एंगल कम है या ज्यादा है, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक जो होता है ये एंगल ऑफ बेंडिंग पे डिपेंड करता है, एक एंगल ऑफ अब बेंडिंग पे ये डिपेंड करता है, एंगल ऑफ अब बेंडिंग पे, एंगल ऑफ बेंडिंग पे, एंड दूसरा जो ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है दूसरा जो ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंडिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अब बेंडिंग, बेंडिंग तो बेंडिंग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पर यह डिपेंड करता है कि कर्वेचर जो है ये हमारा शार्प एजेस के साथ है, कर्वेचर जो है वो शार्प एजेस के साथ है या हमारा ये कर्वेचर स्मूथ एजेस के साथ है, या ये कर्वेचर हमारा स्मूथ एजेस के साथ है, क्लियर, शार्प है या स्मूथ है, तो उस पर ये डिपेंड करता है एफ का जो वैल्यू होता है, क्लियर। एफ का जो वैल्यू होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि रेडियस का कर्वेचर जो है स्मूथ है या हमारा शार्प है। तो ये हमारी जो होते हैं वो फाइव डिफरेंट टाइप के एग्जिट लॉसेस, सॉरी माइनर लॉसेस होते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन जो है था उस पर आते हैं थोड़ा सा, और मैंने केवल यहाँ से आपको फार्मूले डिस्कस कर रखे हैं बस, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया आपको। चलो 147 जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। 147 में बोला था अ 2 किलोमीटर अ लॉन्ग पाइप अब 0.2 मीटर डायमीटर कनेक्ट्स अ 2 रिजर्वायर, द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल इन द रिजर्वायर इज 8 मीटर, द डार्सी वेज वेज अ फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप इज दिस, अकाउंटिंग फॉर फ्रिक्शनल एंट्री एंड एग्जिट लॉसेस, एंट्री एंड एग्जिट लॉसेस एंड फ्रिक्शन लेना है, तो ये सीधे हो जाएगा। देखो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी यानी डेटम लाइन हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। एंट्रेंस का जो लॉस होता है, यानी पहले लिख देता हूँ मैं, HL एंट्रेंस हो जाएगा पाइप में, एंड प्लस का HLF हो जाएगा, एंड प्लस का HL एक्सिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल पाइप में है,
तो ये अपना 8 हो गया, और इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा इंट्रेंस, यानी 0.5 टाइम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g एंड प्लस का एफ एफ एल अब वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2gd एंड प्लस का एच एल एक्सेट यानी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डार्सी वेजबस अपने को दिया हुआ है, सब कुछ अपने को पता है, 8 0.5 क्लियर, 2g से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2g हो गया, इधर मल्टीप्लाई 0.5 टाइम वी स्क्वायर हो गया एंड प्लस का एफ एफ इज 0.04 मल्टीप्लाइड बाई एल 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 कितना है, लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर यानी 2 3 एंड वी स्क्वायर निकालना है और नीचे हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर इज 0.2 तो 0.2 डायमीटर हो गया प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके वी निकाल लो कितना आ रहा है, यहाँ से सॉल्व करके वी निकाल लो और कितना आ रहा है, तो वेलोसिटी निकल आएगी पाइप में, आई थिंक जो है 147 का ई आंसर आता है, आई थिंक शायद ई आंसर आता है, बाकी यहाँ से कैलकुलेट कर लेना यहाँ से, या मैं ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, चलो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ कितना आएगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट लगेगा, बस कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 1000 ये हो गया, डिवाइड बाई 0.2 ये 400 हो गया। तो ये 2g × 8 था और ये 0.5 टाइम्स अब वी स्क्वायर प्लस का ये 400 बन रहा है, ठीक है चलो 400 अब वी स्क्वायर हो गया प्लस का ये वी स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 + 0.5 ये हो गया आपका जो है 401.5 अब वी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2 × g 2 × g 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो ये आ गया एंड डिवाइडेड बाई 401 ये निकल आएगा 10 एंड अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू तो 0.62 आ रहा है, 0.625। यहाँ से जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी निकल के आएगा 0.6256 मीटर पर सेकेंड, तो ये हटा दोगे तो 0.63 हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ से ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 147 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीन पर 148 क्वेश्चन आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट, 148 क्वेश्चन आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए फास्ट, 148 देखो 148 का क्या निकल के आएगा, 148 फॉर स्टडी फुल्ली डेवलप फ्लो इन साइड ए स्ट्रेट पाइप आप डायमीटर डी दिया हुआ है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी इफेक्ट द प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी ओवर अ लेंथ एल एंड थियर इज टाउ आर रिलेटेड बाई, अरे सीयर स्ट्रेस और ये टाउ जो होते थे वो कुछ ऐसे होते थे, अब माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई आर बाई आर टू ये होता था, इसको टाउ वॉल हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का डी पी बाई डी एक्स ये लिख दिया एंड यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे ये आर डी बाई अब 4 हो जाएगा। अब देखो माइनस के साथ अगर हम यहाँ से देखें तो टाउ पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, क्लियर पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हमने डेल्टा पे लिख दिया, इसको एल लिख दिया और इसको डी और बाई ये 4 हो जाएगा।
तो ये डेल्टा पी डी, ये याद रखना भाई, ये पॉजिटिव है, P1 - P2 है, ये 4L से आएगा, 4L होगा, 4L, तो डेल्टा पी डी डिवाइड बाय 4L, डेल्टा पी डी डिवाइड बाय 4L, डेल्टा पी डी बाय 4L, ए आ जाएगा। 148 का ये आंसर आएगा। जिन लोगों ने आंसर सही बताया है, ओके थैंक यू जीनियर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 149। अगेन फिर से सिफोन एंड समेट, अगेन फिर से सिफोन है। अच्छा प्लीज, जैसे आज क्लास जो है एफएम की, आज से मैं बाइंड अप कर दूंगा, तो बाकी लोगों को, दोस्तों को बोल दो कि कल से, फ्रॉम टुमारो, टुमारो से कल से हम लोग थर्मोडायनामिक स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग थर्मोडायनामिक स्टार्ट करेंगे, और पहले जो है थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल बेसिक, एंड देन फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्लियर। तो कल से हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पढ़िए जल्दी से, 149, 149, एंड प्लीज लाइक शेयर करना मत बोलना, लाइक शेयर एंड कमेंट। 149 क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ ऑयल थ्रू द सिफॉन विल बी, यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फ्री सरफेस से नीचे जितना भी डेप्थ नीचे जाओ, अंडर रूट 2g कर दो बस, सीधे आंख बंद करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2g 4 + ये यानी 5.5 निकाल लो जल्दी से, 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5.5, ये हो जाएगा 10, 2g दिस हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो 10.3879 निकल आएगी m/s। ये वेलोसिटी निकल आएगी, वेलोसिटी इज 10.3879 m/s, ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, 149 का जो है आंसर आ जाएगा। चलिए जिन लोगों ने सही आंसर बताया है, ओके थैंक यू सीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। अच्छा आंसर यहाँ दिया हुआ था, ओके ओके ओके, आंसर कितना आया, 10.387 यानी कि 10.4, तो डी आंसर आएगा इसका, डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 अगेन सिफोन एंड समेट का, मैं क्या करूँ, सिफोन एंड समेट बहुत पूछा जाता है, सिफोन एंड समेट जो है वो बहुत पूछा जाता है। चलिए जल्दी से पढ़िए सिफोन एंड समेट का 150 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए फास्ट, क्लियर। तो फिर हाइड्रोलिक्स यही हम यहीं पर रोकते हैं, हाइड्रोलिक्स मशीन, हाइड्रोलिक्स मशीन के लिए प्लस पे मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑन प्लस पे हाइड्रोलिक्स मशीन मैंने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, 24 से 25 लेक्चर हो गए हैं, क्लियर। अभी 5-6 लेक्चर बाकी हैं, वो मैं करवा दूंगा, वहां पर आ जाओ, पूरा का पूरा एक नंबर लेक्चर से देख लो, कुछ प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना 4426 04। कैसे वहां पर लेक्चर को एक्सेस करोगे, अमित कुमार सर्च कर लेना, अमित कुमार, और फॉलो कर लेना, क्लियर, फॉलो मी। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे आपके पास नोटिफिकेशन और मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो पहले ये पढ़ो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, पूछा है द वेलोसिटी इज, कहाँ पर एग्जिट पे पूछा है, तो कौन से टर्म में निकालना है, ठीक है चलो, यहाँ पर वेलोसिटी जो है अपने को निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वैल्यू देखो पहले, तो ये कितनी है, ये कितनी है, जेड नॉट है, ये जेड आर माइनस हो जाएगा, तो डेप्थ कितनी है, ये कितनी वैल्यू होगी, दैट शुड बी आर जेड नॉट माइनस का जो है वो जेड आर है, ये है ना, बस हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g जेड नॉट माइनस का जेड आर हो जाएगा, जेड नॉट माइनस का जेड आर हो जाएगा, जेड नॉट माइनस का जेड आर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, 140 का सी, 150 का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं, 1 सेकंड वेट, पहले एक बार सुन लो पूरा का पूरा, क्लियर, एक बार सुन लो पहले, क्लियर। तो यहाँ से आपको करना क्या है दोस्त, जैसे एक चीज ये है कि पहला तो आपका एक ये है कि जैसे थर्मोकल से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, थर्मो हो जाएगा, उसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफर हम लोग शुरू करेंगे। दो तीन चीजें हैं, जैसे कुछ मैंने HMT के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन करवा रखा है लास्ट, और 170 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन बचे हुए हैं,
वो आईएएस और गेट के क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, तो यूट्यूब पे वो पड़े हुए हैं सारे के सारे लेक्चर, वो प्लीज देख लो एक बार यूट्यूब पे, उनको फॉलो कर लो, वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा एचएमटी के क्वेश्चन। फिर बाउंड्री लेयर मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है 7-8 घंटे, तो उसको आप सर्च कर लेना अमित मौर्य डाल के, वो निकल आएगा आपको, वीडियोज मिल जाएंगे सीरीज पूरी, तो वो वीडियो पूरे के पूरे यूट्यूब से देख लो दोस्त। तो एक तो आपको ये टॉपिक हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर प्लस कोर्स पे मैंने पावर प्लांट और हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन ऑलमोस्ट 80% मैंने करवा दिया है, पावर प्लांट में गैस पावर साइकिल रैंकाइन और जो है वो आपका कंप्रेसर हो गया है, तो वहां से वो आके देख लो क्लियर। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको मैक्सिमम थर्मल के सब्जेक्ट आपके कवर अप हो जाएंगे। और एनएलसी के लिए याद रखना, थर्मल के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज के हैं, थर्मल के सब्जेक्ट जो एनएलसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि नहीं तो फिर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। एंड अनअकैडमी टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें जो भी वीडियो आना होता है या सोल्यूशन क्वेश्चन या मोटिवेशन जो भी कुछ होता है गाइडेंस, वो आपको मैसेज के थ्रू आती रहती है, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। क्लियर। सो अगेन लेट्स सी क्रैक गेट एंड यस्सी, गेट एंड यस्सी कल मिलते हैं थर्मोडायनामिक के साथ। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।